वाला साइड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दिस साइड थोड़ा थोड़ा हुआ है कम्प्लीट, बट अभी तक टर्मैक नहीं डाला है। जैम का जो मेन कारण है जो पता चला है मेनली इनडिसिप्लिन की वजह से है। ये सनसेट हो रहा है, एक बार देखो गजब लग रहा है, पूरा एकदम ऑरेंज सन बादलों के पीछे नीचे जा रहा है, गजब ही लग रहा है। डालखोला सीधा और खिरखिर तला लेफ्ट, तो हम लोग डालखोला जाएंगे सीधा एंड ऐसा मैप दिखा रहा है। रास्ता तो पूरा एकदम मक्खन जैसा बनाया है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आके दिखा देख रहे हैं कि रोड ख़त्म है, कहाँ से जाना है। यहाँ से तो फिर डाइवर्सन, डाइवर्सन से घुसा तो दिया एंड घुसा के ये सिंगल लेन में फिर लेके आ गया। पता नहीं फ्लाईओवर का रास्ता कहाँ है, अगर आगे मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो नॉर्मल जैसे क्रॉस करके जाना होता है लेवल क्रॉसिंग वैसे ही जाएंगे। वो वाला साइड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दिस साइड थोड़ा थोड़ा हुआ है कम्प्लीट, अभी तक टर्मैक नहीं डाला है। तो ये साइड मतलब पुल दिया है लगता है, बट आगे जाकर पता चलेगा कि यही फ्लाईओवर के लिए है या कुछ और है, क्योंकि वहाँ से जो डाइवर्सन लिए थे वो तो एक टाउन के अंदर से होके आया फिर आके इस रास्ते में मिला, तो यही होना चाहिए। आगे जाके देखते हैं क्या है। फ्लाई ओवर ये देखो, यही है डालखोला का जो फ्लाई ओवर है, तो ये खुल चुका है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से जो होगा यहाँ से उतर के फिर एक राइट लेना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे पूरा जैम होगा। यहाँ पे सब गाड़ी घुमा रहा है एंड यहाँ पे देखो ट्रक का पूरा लाइन लगा हुआ है। मेरा फ़ोन बिगड़ गया, इस जैम में फंस चुके हैं। यहाँ पे 15 मिनट्स का जैम दिखा रहा है, पता नहीं कब खुलेगा। टिल नाउ वी हैव कवर्ड 488 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम हम लोग का 12 घंटा तो हो गया है। हम लोग निकले थे 12.5 घंटे के करीब हो गया है, 12.5 घंटे में 486 किलोमीटर्स एंड सिलीगुड़ी अभी भी दूर है। एक डेढ़ घंटा हो गया होगा हम लोग फंसे हुए हैं एंड जैम का जो मेन कारण है जो पता चला है मेनली इनडिसिप्लिन की वजह से है। ये लोगों का इनडिसिप्लिन है, देख सकते हो ये मतलब जाने का रूट है एंड उस तरफ आने का, बट ये लोग मतलब दोनों तरफ से आना जाना सब कुछ कर रहे हैं, देन इस तरफ से भी कोई आ रहा है, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, और इसी वजह से जैम होता है। और ये हर रोज़ यहाँ पे होता है डालखोला के यहाँ पे। सो डालखोला को तो अवॉइड करना ही अच्छा है, मतलब मैं पहले भी 2-4 बार आ चुका हूँ बट ऐसा जैम पहले कभी नहीं मिला मेरे को। अभी 3 बज गया और हम लोग अभी भी डालखोला में खड़े हैं, जा नहीं पा रहे। आए हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, अभी 3 बज गया होगा, 3 तो पहले ही बजा था, अभी 4 बज गया है, तो जल्दी से खाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। दिस इज द मेनू, तो हम लोग मटन बिरयानी खाने वाले। गाड़ी का हालत बहुत ख़राब हो गया है।
पूरा धूल से भर गया है। ये हमारा मटन बिरयानी है, पापा लोग अभी खा रहे हैं एंड इसका नाम है ऑक्टोपस ढाबा। तो आप लोग आ सकते हो कि अगर आप लोग पूर्णिया के साइड से इस्लामपुर की ओर जाते हो तो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। पूर्णिया से ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे आके आप लोग ट्राई कर सकते हो, नया खुला है। टाइम हो रहा है 5:56 एंड हम लोग इस्लामपुर क्रॉस कर चुके हैं एंड फुलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास कुछ है उसके तरफ जा रहे हैं एंड वो अभी यहाँ से और भी 48 किलोमीटर दूर है। उसके बाद सेवक रोड पकड़ेंगे तो डेस्टिनेशन जाने के लिए हिल स्टेशन जो जाना है आप लोगों को बताएंगे बाद में, पहुँच के दिखाएंगे। बट अंधेरे में तो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। आज का पूरा दिन जैम में ही गुजर गया वैसे, और बाकी सब बहुत बढ़िया था। रास्ता तो पूरा एकदम बहुत ही अच्छा था। सनसेट हो रहा है, एक बार देखो गजब लग रहा है, पूरा एकदम ऑरेंज सन बादलों के पीछे नीचे जा रहा है, गजब ही लग रहा है। बारी का बाईपास पकड़ लिए हैं, अभी उसी पे चल रहे हैं। अभी 20 किलोमीटर के करीब बाकी है फुलबारी एंड उसके बाद कालीपोंग लगाएंगे, वहाँ से और भी 60-70 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। एस्टिमेटेड है कि 8 या 9 बजे तक पहुँचेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। आज तो कुछ भी टाइम से हो नहीं रहा है इतना जैम की वजह से। अभी 8 PM हो रहा है एंड हम लोग सेबॉक फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं एंड हमारा डेस्टिनेशन जो है वो अभी 49 किलोमीटर बाकी है, जो कि 2 आवर्स के करीब लगना चाहिए। एंड सामने दिखा रहा है कंजेशन है फिर से, आज पूरा दिन कंजेशन में कट गया। आप लोगों को रात में समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने अभी हिल क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया है एंड अभी भी 40 किलोमीटर बाकी है डेस्टिनेशन, तो वहाँ पहुँचने में और भी 1 घंटा 20 मिनट के करीब लगेगा, 10 बज जाएगा। एंड रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है कि अच्छे से मतलब स्पीड अच्छा रख सके। पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे एंड ये कालिम्पोंग में है, तो आप लोग कल सुबह इसके बाहर का जगह दिखाएंगे एंड अभी तो बाहर अंधेरे के वजह से कुछ दिख नहीं रहा। रात बहुत हो गया, 11:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे एंड उसके बाद फिर सो जाएंगे। एंड जो बोलना था मतलब आज का जो जर्नी था बहुत लंबा हुआ, मतलब कल निकले थे अराउंड 1 बजे एंड आज 11 बज गया, ऑलमोस्ट 22 आवर्स से ज़्यादा ही, 22.5 आवर्स आई कैन से। तो नींद बहुत आ रहा है, मेरे आँखों को देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब इतना नींद आ रहा है तेज़ क्या बताऊँ। तो अभी मतलब खाना है एंड बिस्तर पे लेटूंगा तो मतलब हेवी नींद आने वाला है, अभी सोना पड़ेगा, फिर कल सुबह निकलेंगे, बहुत सारा जगह एक्सप्लोर करेंगे इसके आसपास। आप लोग देखो व्लॉग को तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड जो रूट मैंने इस ट्रिप में फॉलो किया है उसका पूरा मतलब स्टॉप वाइज मैं एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो यूज़ करके आप लोग भी कर पाओगे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।